फरवरी के आखिरी हफ्ते में पीटर बर्ली नाम का एक अमेरिकन डिप्लोमेट चोग्याल से मिलने गैंगटॉक आता है। बर्ली इस समय कलकत्ता स्थित यूएस कॉन्सुलेट में कार्यरत था और होप कुक के आग्रह पर उसके पति से मिलने आया था। चोग्याल के साथ चली अपनी मीटिंग के बाद पीटर बर्ली शाही महल में एक रात गुजारता है और अगले दिन की सुबह ट्रेन से वापस कलकत्ता के लिए निकल जाता है, लेकिन कलकत्ता पहुंच नहीं पाता। जैसे ही उसकी ट्रेन बहरामपुर आकर रुकती है, आरपीएफ के कुछ सिपाही उसे ट्रेन से नीचे उतार स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाकर बिठा देते हैं। वो बार बार अपना आईडी कार्ड दिखा उनसे पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। और लगभग एक घंटे ऐसे ही सस्पेंस में रहने के बाद उसके कमरे में पीएन बनर्जी की एंट्री होती है। तो मिस्टर बर्ली, कैसा रहा चोग्याल के साथ आपका मीटिंग, कैसा रहा? सिगरेट के कश भर रहे बैनर्जी के मुंह से सुन बर्ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। Who the hell are you and what do you want from me? मिस्टर बर्ली, हमार नाम पीएन बनर्जी एंड आई वर्क फॉर मिस्टर काओ, आर्यन काओ। काओ का नाम सुनते ही बर्ली कांपना शुरू कर देता है, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बनर्जी आगे कहते हैं, अरे नो नीड टू बी अपडेट मिस्टर बर्ली, हम तो बस ये जानना चाहता है कि वो चोग्याल के साथ आपका क्या बात हुआ हा? जैसे आप हमें सब कुछ बताएगा, हम आपको खुद कलकत्ता तक छोड़ के आएगा, आई प्रॉमिस। यू सी, हमको सब पता है। हमको पता है कि यू वर्क फॉर CIA है।